अकेले जा रही हूँ, बाकी कोई नहीं जा रहा है। मैं अकेले जा रही हूँ, इंच का जगह नहीं बचा है। Hey guys, मैं हूँ डॉक्टर कृतिका रावत एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अकेले गोवा। अकेले आई मीन ब्रदर्स को छोड़ के मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। मे बी आप मुझे मिस करोगे? नहीं मिस करोगे? आप नाराज हो? आप नाराज तो नहीं हो? हैप्पीली सैड क्या होता है? तो मुझे प्यार से, प्यार की नजरों से तो देखो, तब तो पता चलेगा तुम हैप्पीली सैड हो। अरे मुझे डर ये लग रहा है चालान ना कट जाए तुम्हारा। क्यों चालान कटेगा? और तुम वहाँ क्या खुराफात मचाओगी? मुझे इससे डर लग रहा है। अच्छा जी। जी हाँ। मैं बहुत बदमाश लड़की हूँ क्या? कम नहीं। तो आप देख ही सकते हैं ये थोड़ा सा सैड है और ये इसकी प्रॉब्लम है, ये जाना नहीं चाहता था। बट एनी हाउ मेरा प्लान मेरी फ्रेंड के साथ बना था, तो ऑफकोर्स रजत इंक्लूडेड नहीं था उसमें। और द गुड पार्ट इज कि इसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया और मेरा बहुत साथ दिया कि चलो ठीक है तुम जाओ। और इतना बिल्कुल भी मुझे फील कराने नहीं दिया कि ये मुझे मिस करने वाला है। अभी कुछ घंटों के लिए छोड़। तुम अकेले जा रही हो, बाकी कोई नहीं जा रहा है। मैं अकेले जा रही हूँ, बाकी कोई नहीं जा रहा है, इसका मतलब? I mean, I'm talking about the guys. मैं जब व्लॉग डालूंगी तो जब कोई आपकी वीडियो देखता है तो ऐसा लगता है वो भी हमारे साथ साथ जा रहे हैं, तो वो भी उस एक्सपीरियंस का लुत्फ उठाते हैं, इसलिए वो भी जा रहे हैं मेरे साथ। वर्चुअली है ना? चार दिन के लिए गोवा जा रही है, गाड़ी में एक इंच का जगह नहीं बचा है सामान रखने के लिए। ऑलराइट, पूरा गाड़ी भरा हुआ है। ये डब्बा मेरा नहीं है, ये भी तुम्हारा सामान है, मेरा इधर कोने में पड़ा हुआ है, इधर बैग है मेरा, दैट्स इट। और मैंने बहुत अच्छे से पैकिंग की है, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से पैकिंग की है, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पैकिंग की है, अनलाइकली ऑफ मी। इतने अच्छे से मेरा इतना सारा सामान आ गया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक्स्ट्रा भी रख ही लेती हूँ जब सारा सामान आ जा रहा है प्रॉपरली। तो मैंने बैग ऑर्गेनाइजर की भी वीडियो डाली है, आप उसको जरूर देखना अगर आप भी चाहते हो। आप भी मेरी तरह बहुत एक्स्ट्रा पैकिंग करते हो, तो आई थिंक ये बैग्स आपके लिए भी बहुत जरूरी है, डेफिनेटली ट्राई कर लिया। मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे, मतलब इतना अच्छे से मेरा सामान आ गया जो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैंने और एक्स्ट्रा कपड़े ऊपर से डाल दिए कि चलो यार जब इतना सामान आया तो एक्स्ट्रा भी ले ही जाते। चलो अब ज्यादा लेट नहीं करते, चलते हैं गोवा, हम जा रहे। बाय बाय बेबी, बाय बेबी। ये वीडियो है, लैंड कर गई हूँ जब मैं गोवा तब की। बट इससे पहले मेरे साथ थोड़ा कांड हो गया था, वो ये हुआ था कि ऑर्गेनाइजर के चक्कर में इतने अच्छे से मेरा सामान आ गया था, जो कि मैं बोल रही थी कि मैंने ओवर पैकिंग कर ली, तो मुझे थोड़ा सा सामान निकाल करके अपने हैंड बैग में रखना पड़ा बिकॉज मेरा 15 किलो से ऊपर हो गया था, और थोड़ा सामान मुझे रजत के हाथ वापस भिजवाना पड़ा। हाँ 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 पहुँच गए गोवा एयरपोर्ट और हमें देखो मत मुझे। सो आई एम एट गोवा एयरपोर्ट। अभी हम लोग जा रहे हैं, बहुत लंबी वॉक है, G20 समिट की वजह से अंदर गाड़ी आने नहीं दे रही, हमने गाड़ी बुक की है। सो वेन्यू है कार जो सेल्फ ड्राइव करेंगे हम लोग, सो ऑटोमेटिक वेन्यू, तो वी हैव टू वॉक अ लॉट। अभी बहुत लंबी दौड़ है, ऐसा लग रहा है इतना दूर जाना है हम लोग को। वहाँ से हम कार पिक करेंगे, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। मेरे लिए फर्स्ट टाइम होगा कि मैं यहाँ पर खुद से ही ड्राइव कर रही हूँ, और हम इतने सारे लोग हैं, हम में से किसी को भी, मतलब मेरे अलावा किसी को भी गाड़ी चलानी नहीं आती। सो आई होप फिंगर्स क्रॉस एवरीथिंग गोज वेल। हमने ये गाड़ी खरी है, अभी हम लोग वीडियो ले रहे हैं इसकी, ताकि आगे कोई भी स्क्रैचेस वगैरह है, कोई भी इशू हो तो पंगा ना हो। तो आई थिंक जो भी इस तरीके से रेंट लेता है गाड़ी सेल्फ ड्राइव पे, तो आपको आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये करते ही होंगे कि हमेशा से पहले ही वीडियो बना लेते हैं। सो ये गाड़ी है हमारी, ये है हमारी धन्नो गोवा के लिए। हम लोग ने रेंट की है ये गाड़ी, पीछे वेन्यू ऑटोमेटिक, और हम 4-5 लोग हैं, और हम में से सब में से किसी को भी गाड़ी चलाने नहीं आती, सिर्फ मुझे आती है। और उसमें भी एक ग्लिच है जो मैं आपको कुछ देर बाद वीडियो में बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है। सो लेट्स सी, मैं जा रही हूँ गाड़ी चलाने, सब लोग वेट कर रहे हैं मेरा। इस गाड़ी में मेरे साथ मेरे और 4 फ्रेंड्स थे, और उनके लिए भी सरप्राइज़ ये था कि गाड़ी थोड़ा सा चलाने के बाद ही मैंने उनको बताया कि ऑटोमेटिक गाड़ी मैं नहीं चलाती हूँ, मेरे पास घर में जो गाड़ी वो मैनुअल है। तो उन सब की तो हालत ही ख़राब हो गई थी सुन करके, उनको लग रहा था मैं गाड़ी कहीं भिड़ा दूंगी, बट मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था। और मैंने जब मैं एयरपोर्ट पे थी, जब मुझे टाइम मिला था, तो मैंने यूट्यूब देखा था। ऑनेस्टली गाइज, येस आई एम नॉट किडिंग, मैंने यूट्यूब देखा, उसमें सीखा मैंने, बहुत अच्छी सी एक यूट्यूब वीडियो थी, आई डोंट रिमेंबर किसकी थी, बट बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन था, तो मैंने उसको सीखा। एंड मैंने बहुत सालों पहले ऑटोमेटिक गाड़ी ट्राई करी है, तो ऐसा नहीं था कि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, बट येस इतना लॉन्ग ड्राइव के लिए मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था।
बट एनी हाउ सब अच्छा रहा, कुछ घंटे बाद सब लोगों को आदत हो गई एंड दे वर एंजॉयिंग आल्सो। गाड़ी हमें मिली थी पूरी खाली, अभी हम आ गए पेट्रोल भराने, जो कि हमें बहुत मुश्किल से जगह मिली है। लोकेशन समझ ही नहीं आ रहा था, यहाँ पे डाउन हिल पता नहीं क्या बोल रहे थे ये लोग, कुछ अलग ही चीज वो क्या बोल रहे थे, डाउनर। तो डाउनर ही मिस कर दे रहे थे हम हर बार 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 घूम घूम करके, हम चक्कर पे चक्कर मार रहे थे और पेट्रोल एकदम जीरो पे था। अभी हमने पेट्रोल भरा दिया हमारी पेट्रोल की गाड़ी। पेट्रोल भराने के बाद हमें जो सफ़र करना था वो गोवा एयरपोर्ट से हमें जाना था मौजम बीच, अश्वम बीच की तरफ। तो वहाँ तक का जो रास्ता नेविगेशन में दिखा रहा था वो 2 आवर्स दिखा रहा था। तो हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, इसलिए हम रास्ते में ढूंढ रहे थे कुछ जगह जहाँ पे हम खाना खा पाएँ। और लकीली हम एक ऐसी जगह पे लैंड करे, आई डोंट रिमेम्बर क्या लोकेशन थी, बट बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत बेसिक सा था, बहुत ही ऑथेंटिक था। हमें खाना भी बहुत नॉर्मल सा खाना खाना था, मतलब हमें मछली मटन ये सब खाना था। बहुत ही टेस्टी खाना हम लोगों को मिल गया है यहाँ पे। तो अभी हम लोग को बहुत ज्यादा भूख लग गई, सब लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, कोई सिलीगुड़ी से आ रहा है, कोई कैलकटा से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। तो सबको बहुत ज्यादा भूख लगी, सर दर्द होने लग गया सब लोग को। फ्लाइट हालांकि 2.5 घंटे की फ्लाइट थी सभी की, ऑलमोस्ट सेम टाइम की थी राइट, बट इतनी ज्यादा भूख लग गई। तो हम लोग एक बहुत छोटे से एक रेस्टोरेंट हम लोग को साइड में दिखा कहीं पे रोड में, और हमारा जो कॉटेज है जहाँ तक हमें जाना है वो काफी दूर है। वो कहा है मौर्जिम अश्विम बीच। तो अराउंड 2 आवर्स लगता है हम लोग को वहाँ जाने में। तो अभी हम लोग ने 1 आवर कवर कर लिया, हमें भूख लग गई, तो अब हम लोग आ गए कुछ खाने। थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। सो हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो अभी हमने मंगाई है ये थाली, मटन थाली, और हमारी फिश थाली अभी पेंडिंग है आने को। यहाँ पे दो और जनाब लोग बैठे हैं। हम लोग सब वेट कर रहे हैं अपनी फिश थाली का। अभी रश्मि की थाली आ गई है, मटन थाली। कैसे खाते हैं, चलो इशिता बताएगी कि कैसे खाना है, बताओ। तो ये फिश है, दिस इज पॉम्फ्रे क्या है, नहीं, ये किंग फिश है। अच्छा ठीक है, फिश, ये रवा फ्राई है, ठीक okay. है, इसको रवा फ्राई किया है। ओह यस, रवा डोसे की तरह ही लग रही है। और ये कोई सी ग्रेवी है। एंड दो फिश ग्रेवी बोला था। हाँ दो है ना, ये दो ग्रेवी। तो ये क्या डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, अभी ट्राई करना पड़ेगा। सेम लग रहा है ना, फिश की सेम लग रहा है। ऐसे बोलने को दो अलग अलग ग्रेवी देगा। आई थिंक ये कुछ सैलेड भी है। भैया ये क्या है, मच्छी का क्या है, कच्ची नारियल की चटनी है, सूप है। नहीं सॉरी, ये सोल करी है, दोनों फिश करी है, ये दोनों एक ही करी है ना, एक ही करी है, हम ये खाएंगे। आई लव दिस, दिस इज इंटरेस्टिंग। इसको तोड़ के तो खाऊंगी कैसे, ऐसे डिप करके? नहीं तुम ऐसे खा सकते हो, बियर का टाइम है घर जा करके, घर के में घर ही है हमारा फॉर द नेक्स्ट 4-5 डेज। चलो मैं खाती हूँ, थैंक यू। पहुंच गए लीला कॉटेजेस जहाँ हमारा स्टे है 2 दिन का। इसके बाद 2 दिन हम लोग डिफरेंट जगह स्टे करने वाले हैं। अब सामान निकालते हुए ये लोग बहुत आवाज कर रहे हैं, बट एनीवेज कैन नॉट हेल्प इट, बहुत ज्यादा थक गए हम लोग। कम से कम आई थिंक बीच में हमने खाने का स्टॉप लिया था, और एयरपोर्ट से ये जो जगह है मौर्जिम बीच यहाँ तक का रास्ता आई थिंक हमें 3 घंटा लग गया। तो 2:30 बजे मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी, 3 बजे निकलते निकलते बाहर आई थिंक 6 बज गया अब यहाँ पे। तो इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, बट मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी इतने दिनों बाद चलाई, और सब लोग एकदम डरे बैठे हुए थे, लेकिन अच्छे से चला ली मैंने। ये है हमारी कुटिया। तो हम इस कुटिया में रहने वाले हैं 2 दिन के लिए। बीच काफ़ी पास में उस तरफ कहीं पे, मतलब 1-2 मिनट की वॉक है मुश्किल से। ये सारी इतनी सारी कुटिया हैं यहाँ पे, कॉटेजेस विच यू कॉल इन इंग्लिश, मैं तो कुटिया ही कहूँगी इसे। ये रूम है, चल रहे हैं तुरंत बीच में कूद जाए जाके, चलते हैं बस फ्रेशन अप हो जाए जल्दी से। हाँ ये वॉशरूम है, अभी अंदर एक बंदी गई हुई है। वाह नाइस, इस कमरे में 3 लड़कियाँ रुकेंगी, 3 लड़कियों के लिए शीशा थोड़ा छोटा है, बट इट्स ओके वी विल मैनेज। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं,
शक्ल के 12 बज गए हैं, हालत ख़राब हो गई है। 3 घंटा आने में लग गया हम लोग को पहुंचने में। यहाँ पे अश्वम बीच है बिल्कुल बगल में, तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि हमें अब बीच के लिए कहीं भाग के जाना नहीं पड़ेगा। सो दैट इज़ अ गुड थिंग एंड दैट्स इट। आगे का वीडियो देखिए क्या हमने किया है, या नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करने की इस कॉटेज के बारे में। अगर आपको डिटेल्स वगैरह चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगी। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो हमने कॉटेज लिया था वो है लीला कॉटेज। हमने 2 कॉटेज लिए थे, हमें 1 कॉटेज 7,000 रुपीज़ का पड़ा, जो कि मुझे लेटर ऑन थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा एज़ कम्पेयर टू द एमिनिटीज दे हैव प्रोवाइडेड। तो रूम्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बगल में बीच है, शांति बहुत है यहाँ पे, क्योंकि ये बागा और आपका कैलंगूट वगैरह से काफ़ी दूर पड़ता है बीच। तो अगर आप शांति के लिए आना चाहते हो कि थोड़ा सा बीच को एंजॉय करना चाहते हो, तो ये काफ़ी अच्छी जगह रहेगी। बट अदरवाइज ऑल्सो मुझे थोड़ा सा रूम उस हिसाब से एक्सपेंसिव लगा। अब देखो मैं क्यों इस जगह को कुटिया कह रही थी, अब आप इसके इंटीरियर देखो, कुटिया ही तो लग रही है, बस थोड़े से वेस्टर्न फिटिंग्स डाल दी हैं यहाँ पे। ये स्लैब है जो पता नहीं, आई डोंट नो क्या बोलते थे इसको हिंदी में पहले, और बस थोड़े से शावर वगैरह दे दिए। बट जोक्स अपार्ट, ये एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। सो आई लाइक द वाइब ऑफ दिस प्लेस, बहुत सुंदर है, बहुत अमेजिंग। आई थिंक यू आर गोना लाइक द 2-day स्टे विच वी आर गोना हैव हियर। हमारा जो कॉटेज है, हमने जहाँ पे स्टे किया वहाँ पे बीच साइड पे इस तरीके के काफ़ी सारे अगल बगल कैफ़ेज़ थे, बहुत ही अलग सी वाइब थी, थोड़े हिप्पी स्टाइल की वाइब थी, और अच्छा था, अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा फील हो रहा था कि हम गोवा में आ रखे हैं। तो साओ करके ये जगह थी, थोड़ी एक्सपेंसिव थी, बट एनी हाउ हम आए थे, हमें कहीं दूर जाना नहीं था, तो उस हिसाब से हमें लगा कि चलो हम यहाँ पे चिल करने को हमें जगह मिल गई। रात के 9 बज गए थे, सामने पे ही बीच है आप देख सकते हो, तो अंधेरा बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादातर फॉरनर्स वगैरह हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, कॉफी फ्लेवर होता है। चलो गोवा का खाना अच्छा था, एक्सपेंसिव था, हमारा बिल करीब 12,000 रुपये का आया था, हम 4 लोग थे। हमने ऑर्डर किया था प्रॉन्स, लॉबस्टर, हुक्का, थोड़ी बहुत दारू, ये सब चीज़ें हम लोग ने ली थी, और बेसिकली हम कहीं और नहीं गए थे, बस हमने यहाँ पे खाना खाया। तो उसी दिन हम लैंड करे थे, तो उस हिसाब से हमें ज़्यादा दूर कहीं जाना नहीं पड़ा। बट एट द सेम पॉइंट हम थोड़ा सा और एक्साइटमेंट चाहते थे, तो उस हिसाब से हमें लगा कि थोड़ा सा बोरिंग जगह थी फॉर अस, बट अदरवाइज़ वाइब बहुत अच्छी थी इस जगह की। बहुत अच्छा म्यूज़िक बजा था, बहुत डिफरेंट काइंड का म्यूज़िक बजा था, सुन के लग रहा था कि हम गोवा में हैं। खाना खा के थोड़ा सा म्यूज़िक इन्जॉय करके 11 बजे ही ख़त्म हो गया था। हम नॉर्थ गोवा में अश्विम मौर्जम बीच के पास में रुके हैं। सो इन केस आप अगर ऑफ सीज़न में ट्रैवल कर रहे हो और आप पीसफुल जगह चाहते हो जहाँ 11 बजे सब बंद हो जाए, तो आप इस तरफ स्टे कर सकते हो नॉर्थ गोवा में। बट अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि बहुत हैपनिंग सा, बहुत पार्टी लवर हो आप, तो आप डेफिनेटली बागा कैलंगूट के आसपास ही रुकें, क्योंकि ऑफ सीज़न में ये वाला एरिया सारा एकदम 10-11 बजे ही जा कर के ख़त्म हो जाता है यहाँ पे सब कुछ। सो मेक श्योर आप अपनी ट्रिप उसी हिसाब से प्लान करो कि आपको पीस चाहिए या फिर आपको फ़न चाहिए। हमारा दिन थोड़ा सा बोरिंग एंड हुआ, बट दैट्स ओके, आगे के दिन है, और आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको कुछ भी क्वेरी चाहिए हो इस ट्रिप के बारे में तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करिएगा, और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही रफ सा वीडियो है, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। मच लव, टेक केयर, बाय बाय।